हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर 8 के बारे में, दैट इज मेटलर्जी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा रिएक्शंस ऑफ मेटल। तो टोटल 6 रिएक्शंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहला होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका मेटल होता है, राइट, आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ है ना कंबाइन करेगा जब भी आप उसे हीट करोगे, राइट, और सिंपली आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे एग्जांपल की अगर आप बात करोगे तो एग्जांपल में आपको दे रखा है सोडियम। सोडियम को अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट, क्या कर रहे हो, है ना, उसका रिएक्शन कर रहे हो, तो आपका सिंपली जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन रहा है, आपका मेटल ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। आ रही बात सर में? बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे, स्पैचुला की मदद से आप मेटल के सैंपल को क्या कर रहे हो, बर्नर के ऊपर हीट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे जो सोडियम मेटल होता है ना, इसकी खासियत ये होती है कि अगर आप इसे है ना एयर के कांटेक्ट में अगर ले आओ तो वो इजीली फायर को कैच कर लेता है, राइट, इजीली क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है। तो एक्सीडेंट ना हो, है ना, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसे कैरोसिन में प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आगे आपको दे रखा है ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्कली, यानी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, है ना, जिन उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, राइट, बहुत ही, है ना, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, यानी अगर आप उसे पानी के अंदर ऐड, मतलब, है ना, पुट कर दोगे, राइट, तो वहाँ पर वो क्या बना देते हैं, एल्कली बना देते हैं। रिएक्शन अगर आप नोटिस करोगे तो क्या दे रखा है, वही हमारा सोडियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ, है ना, रिएक्ट कर रहे हो, तो आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक आपका एल्कली है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। सो ऑल राइट, सेकेंड रिएक्शन में आपको दे रखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, राइट। यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपके सोडियम या फिर पोटेशियम मेटल्स जो होते हैं, है ना, वो आपका रैपिडली या फिर विग्रेसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और आपका कौन सा गैस रिलीज होता है, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, एग्जाम्पल आपको सोडियम का दे रखा है, राइट, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और साथ में कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, राइट। अच्छा, मान लो आपने सोडियम की बजाय क्या ले लिया, कैल्शियम ले लिया, तो कैल्शियम जो होता है वो वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, यानी लेस विगरेसली रिएक्ट करता है, और जो आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होता है, राइट, वो आपका बबल्स के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, राइट, और आपका जो मेटल है वो आपको पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ नजर आता है। रिएक्शन आप देख सकते हो क्या दे रखा है, कैल्शियम प्लस वाटर विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने जो मेटल्स लिए हैं वो एल्यूमिनियम हो गया या फिर आयन हो गया या फिर जिंक हो गया, राइट, इनमें से कोई है, तो वो आपका वाटर के साथ यानी हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है, है ना, उसको रिएक्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको स्टीम लगेगा, राइट, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और आपका सिंपली अपने ऑक्साइड्स बना देते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ रिएक्शन आप देख सकते हो क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम प्लस स्टीम, है ना, स्टीम का मतलब क्या होता है, आपका H2O जो है वो आपका गैस में रहने वाला है, राइट। अच्छा, आपका क्या बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो जाता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम की बात करोगे तो डायग्राम इस तरीके से यहाँ आपको दे रखा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, आपने ऑलरेडी मेटल का सैंपल प्लेस कर रखा है, राइट। अच्छा, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपने वुल ले रखा है, ठीक है, वुल आपने क्या किया, है ना, वाटर के अंदर उसको सोक कर दिया, राइट, यानी गीला कर दिया, राइट। अच्छा, उसके बाद उसको ग्लास के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक। अच्छा, इस तरीके से सेटअप करने के बाद आप उसको क्या कर रहे हो, बर्नर की मदद से हीट कर रहे हो। जैसे आप उसे हीट करोगे, कहने से जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो यानी यहाँ पे आगे जा करके, है ना, वो मेटल के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। मेटल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो आपका मेटल जो है वाटर के साथ, है ना, सिंपली रिएक्ट करने वाला, राइट। अच्छा, रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और वो गैस आपका इस डिलीवरी ट्यूब की मदद से, है ना, इस पर्टिकुलर बीकर में आ जाता है। ऑल राइट, सो आगे आपको दे रखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। तो यहाँ पे आपके जो मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट करने वाले, राइट। नाउ देखो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन अ सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयन और जिंक आर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेटल्स आर फॉर्म अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। यानी यहाँ पे सिंपली आपका क्या होता है कि अगर आप किसी मेटल्स को है ना, जब भी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, ट्रीट करोगे, राइट, तो यहाँ पे आपका सल्फेट या फिर क्लोराइड सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है मेटल्स का आपको। सबसे पहला जो आपको क्या दे रखा है, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम, नेक्स्ट है आपका जिंक और लास्ट में आपका आयरन। ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। यानी ये सारे में से, ये चारों मेटल्स में से जो आपका मैग्नीशियम है ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे एग्जांपल की बात करोगे तो रिएक्शन क्या दे रखा है, मैग्नीशियम में आपने क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आपका सिंपली रिएक्शन क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम की बात करोगे, राइट, तो यहाँ पे डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको है ना जिंक के ग्रैन्यूल्स ले रखे हो, है ना, आपने क्या ले रखा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक, राइट। इसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो, HCl ऐड कर रहे हो, डाइल्यूट HCl। तो सिंपली यहाँ पे भी वही अपना रिएक्शन होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह आप जिंक लेस कर दोगे, राइट। अच्छा, और यहाँ पे भी आपका है ना कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये जो गैस रिलीज होगा ये आगे आपका है ना डिलीवरी ट्यूब की मदद से यहाँ पे आपका बीकर में आ जाएगा। बीकर में ऑलरेडी आपके पास क्या है, सोप सोल्यूशन है, राइट। अच्छा, यहाँ पे सोप सोल्यूशन में आने के बाद है ना, जैसे आपका हाइड्रोजन गैस आता है सोप सोल्यूशन में, यहाँ पे बबल्स बनते हैं ना, सोप बबल्स बनते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस सोप बबल्स को कैंडल की मदद से, राइट, अगर बर्न करोगे तो एक क्रैकिंग नॉइज यहाँ पे सुनाई देता है। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड। यानी यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स आर फॉर्म ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल्सो फॉर्म इन द रिएक्शन। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका मेटल है, राइट, जब भी वो आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है आपका, नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या बनेगा आपका, नाइट्रोजन है ना ऑक्साइड भी फॉर्म होता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करोगे तो आपको कॉपर दे रखा है। कॉपर को मान लो आप नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है, राइट। अच्छा, मान लो कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ है ना आप रिएक्ट कर रहे हो, तो सिंपली आपका जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, आपका नाइट्रेट सॉल्ट है, अलॉन्ग विद दैट क्या आपका है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड है, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या रिलीज हो रहा है, वाटर भी रिलीज हो रहा है, राइट। अच्छा, आगे अगर आप सेकेंड एग्जांपल की बात करोगे तो वही आपको क्या दे रखा है, कॉपर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपने नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट ले लिया, राइट। अच्छा, यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बना है वही अपना क्या है, आपका नाइट्रेट सॉल्ट है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे भी आपका है ना नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बन रहा है और आपका वाटर रिलीज हो रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक टर्म आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्वा रीजिया। नाउ देखो, एक्वा रीजिया क्या होता है, इट इज़ अ हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड एंड इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट विच कैन डिजॉल्व द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। यानी एक आपका एक ऐसा रिएजेंट होता है, ठीक है, जो हाईली करोसिव होता है और आपका लिक्विड में स्टेट में होता है, राइट, है ना, जो कि क्या कर सकता है, नोबल मेटल्स को डिजॉल्व कर सकता है, सच एज गोल्ड हो गया या फिर आपका प्लैटिनम हो गया, राइट। अच्छा, इसको कैसे बनाते हैं, इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड by mixing concentrated HCl and concentrated है ना HNO3, right? यहाँ पे आप देख सकते हो in the ratio 3:1, यानी 3:1 के ratio में है ना इसको prepare किया जाता है। So I hope आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ आगे आपको दे रखा है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। यानी यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मेटल है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, इस तरीके से आपका ये रिएक्शन होने वाला है। यहाँ पे जनरल इक्वेशन आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, मेटल ए विल रिएक्ट विथ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, है ना, यानी जो मेटल बी है उसके सॉल्ट के साथ रिएक्ट करने वाला है और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा, सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन इस बार सॉल्ट किसका बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए, और सिंपली आपका मेटल बी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जनरल इक्वेशन होने वाला है। और इसको अगर हम डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, देखो ध्यान से, यहाँ क्या दे रखा है, आपको दो टेस्ट ट्यूब लेना है इस तरीके से, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आयरन सल्फेट सोल्यूशन, यानी फेरस सल्फेट सोल्यूशन, राइट। अच्छा,
पहले वाले टेस्ट ट्यूब में आपने आयरन नेल डिप कर दिया है, वाले दूसरे वाले सोल्यूशन में आपने है ना कॉपर वायर को डिप कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब का जो सोल्यूशन का कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है। वाले दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आयरन नेल है ना, इसके ऊपर कॉपर का कोटिंग हो चुका है, राइट। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में। अच्छा, यानी यहाँ जो रिएक्शन हुआ वो क्या रिएक्शन था, जो आपका आयन था उसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है कि नहीं, वहाँ पर कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है, वाइल आपका कॉपर जो है इस तरीके से है ना सिंगल आपका रिलीज हो जाता है। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे सिंपली आपका आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब कि जो आपका आयन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से है ना डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर करके साइंटिस्ट लोग ने है ना बहुत सारे क्या किए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म किए हैं, और आपका है ना सारे सारे मेटल्स को, जितने भी मेटल्स हैं उनके इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जितने भी मेटल्स हैं उनके इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना आपके एलिमेंट्स को अरेंज किए, राइट। इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोलते हैं। यानी द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। और इसी के बेसिस पे हम मेटल्स को तीन कैटेगरीज में, तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सेकेंड होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, और नेक्स्ट होता है आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, आपको दे रखा है, राइट। ये आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ऊपर रखे हुए हैं आपके है ना मोर रिएक्टिव यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना। वाइल आपके जो मिडल वाले हैं ये कौन से हैं आपके, है ना, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, और वाइल ये वाले क्या हैं आपके, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके है ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, और वो आपका ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। वाइल अगर आप मॉडरेटरी वाले की बात करोगे तो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और खाली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। यानी वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे। आगे अगर आप देखो, ध्यान से देखोगे लेस रिएक्टिव के, तो लेस रिएक्टिव वाले जो हैं आपके खाली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी वो एसिड्स और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो। सो ऑल राइट, आगे आपको दे रखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल, राइट। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जो आपका मेटल है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंपली क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, नो ये रिएक्शन कैसे होता है, देखो ध्यान से। हमें पता है कोई भी मेटल है या फिर नॉन मेटल है, वो जो रिएक्शन परफॉर्म करता है वो क्यों परफॉर्म करता है, जस्ट बिकॉज वो स्टेबल होना चाहता है, राइट। यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है। और हमें ये भी पता है कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल गैस के पास होता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल में आपको दे रखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होता है, और ये फॉर्म कैसे होता है, इट इज़ फॉर्म जस्ट बाय जो आपका सोडियम मेटल होता है, राइट, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो आपका नॉन मेटल है क्लोरीन है ना, उस वो क्या करता है, वो उसे एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, राइट। यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट। और ये दोनों इस तरीके से क्या करते हैं, आगे जाके आपका NaCl प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। यानी रिएक्शन आपका सिंपली क्या बन गया, Na प्लस Cl विल गिव यू NaCl। आ रही बात समझ में, बहुत बड़ी। सो आगे आपको दे रखा है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल। ना देखो, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल में भी टोटल चार टाइप्स है। सबसे पहला होता है रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, राइट। यानी यहाँ पे आपका नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और जो प्रोडक्ट आपका बनता है सिंपली एसिडिक ऑक्साइड्स बनता है, राइट। किसी किसी केसेस में आपका न्यूट्रल ऑक्साइड भी बन सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ क्या दे रखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब आप इसको कंप्लीट कंबशन करते हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये एसिडिक नेचर का होता है, राइट। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करोगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर आप पार्शियल कंबशन कर रहे हो, राइट, है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। यानी यहाँ पर आपका जो ऑक्साइड बना है वो काफ़ी न्यूट्रल नेचर का होता है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। यानी यहाँ पे नॉन मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं आपके हैलोजन्स, ठीक है। कुछ हैलोजन्स क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। आपका यहाँ रिएक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लोरीन प्लस H2O विल गिव यू HOCl अलॉन्ग विद HCl, ठीक है। इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है, राइट। अच्छा,
आगे आपको क्या दे रखा है, डाइल्यूट एसिड्स। नहीं, यहाँ पे आपके नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एक्सेप्ट हैलोजन्स, वही रीजन है अपना, ठीक है। रिएक्शन क्या दे रखा है, क्लोरीन प्लस HBr, राइट, 2HBr विल गिव यू व्हाट, 2HCl अलॉन्ग विद ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से आप देख सकते हो। आगे आपको क्या दे रखा है, हाइड्रोजन, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाले। और देखो आपको क्या दे रखा है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशन सच एस प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, यूज ऑफ कैटलिस्ट एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर आपका जो रिएक्शन होने वाला है, राइट, प्रॉपर कंडीशन के बेसिस पे ही होता है। यानी यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या दे रखा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू व्हाट, है ना, NH3, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हो, अमोनिया आपका बन जाता है, इस तरीके से रिएक्शन होता है। सो आई होप यू गेट दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।